प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज बात करेंगे हम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करती ऑड इवन परिवहन योजना की, जिसे नए वर्ष में 15 दिनों के ट्रायल पीरियड के लिए लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बड़े बूढ़े, महिलाएं और युवाओं को सहयोग करते देखा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले को किस तरीके से देख रहा है दिल्ली का युवा वर्ग। किसी भी देश की ताकत कहे जाने वाले युवा वर्ग को दिल्ली में इस योजना के तहत जागरूक देखा गया है। एक तरफ युवाओं ने अपने वाहनों को छोड़कर मेट्रो से सफ़र करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर युवाओं ने इवन ऑड गाड़ियां तारीख के अनुसार चलाई हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ऑड इवन स्कीम की सफलता का श्रेय दिल्ली वासियों की इच्छा शक्ति को दिया है। हमारे लिए अगर कॉलेज के आने के पर्पज से देखें तो वो कॉलेज के आने के पर्पज से ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल जाम नहीं मिलता। पहले हमें एक घंटा लग जाता था, अब 15 से 20 मिनट लगते हैं ईजिली आनंद विहार से आने में। तो ये जो ऑड इवन का रूल आज इम्प्लीमेंट हुआ है, आजकल जो चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि इसमें एक तो ट्रैफिक बहुत कम होएगा आजकल, ताकि लोग काफ़ी कम निकलेंगे, इससे पोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा और जो चलान कटता है लोगों का, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, उससे गवर्नमेंट और कुछ अच्छा कर सकती है। जहां एक तरफ इसे युवाओं का समर्थन मिल रहा है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने इसे तुगलकी फैसला करार देते हुए कहा है कि सार्वजनिक प्रणाली को दुरुस्त किए बिना यह कदम नहीं उठाना चाहिए। उनका कहना है कि बाहर के लोग दिल्ली कैसे आ पाएंगे। बुजुर्ग और महिलाओं को मिली रियायत के बावजूद उनको इसका हिस्सा बनते हुए देखा जा रहा है, तो वहीं कॉलेज गर्ल्स ने भी इस फॉर्मूले को फॉलो किया है। हाय, मैं अवंती गोयल, मैं सरतावार में रहती हूँ, साउथ दिल्ली। बेसिक इस रूल का ऑड इवन का यही है कि अब जैसे हम गर्ल्स एग्जेम्प्टेड हैं, तो मैं फिर भी लेकिन फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये है कि पोल्यूशन कम होएगा। 15 दिन के लिए है तो देखते क्या डिफरेंस आता है, और यही है कि उससे ज़्यादा सबसे बेटर चीज़ ये है पोल्यूशन का, अगर फ़र्क इतना नहीं भी पड़ता, ट्रैफिक बहुत कम होता है तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल। मतलब मैं कॉलेज जहाँ मेरे को एक घंटा लगता था, आजकल मैं आधे घंटे में पहुँच जाती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए। ऑड इवन का यह चक्कर आज हमें ले आया है एमिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 7 जनवरी है, जो कि एक ऑड दिन है, और मेरे पीछे आप ज़्यादातर ऑड नंबर की गाड़ियाँ देख सकते हैं। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली की युवा सोच इस फॉर्मूले को लेकर कहाँ तक जागरूक है। कैमरा पर्सन संग्राम सिंह के साथ मैं शिवांगिनी सिंह, एमिटी न्यूज़। तो युवाओं में तो ऑड इवन को लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, लेकिन जहां पूरी दुनिया प्रदूषण से परेशान है और अभी भी इसका कोई सही हल नहीं निकल पा रहा है, वहीं दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए इस पर एक कदम आगे बढ़कर इस साल 1 जनवरी से ऑड इवन ट्रैफिक रूल लागू किया है। देखिए ये रिपोर्ट। छोटे से लेकर बुजुर्ग तक सब पॉल्यूशन के शिकार हैं। गाड़ियों की संख्या दिल्ली शहर में बढ़ती जा रही है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोग इसी वजह से बहुत परेशान हैं। रिसेंट स्टडी में ये जाना गया है कि दिल्ली पॉल्यूशन लेवल में सबसे आगे है। यही कारण है कि जनता के बारे में सोच के सरकार ने ऑड नियम लागू किया है। अब आइए देखते हैं कि दिल्ली सरकार की ऑड इवन फैसले पर जनता की क्या राय है। पहले से प्रदूषण में थोड़ी सी राहत मिल रही है, पहले आँखों में ज़्यादा लगता था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, सांस लेने में भी राहत है थोड़ी सी, और गाड़ियों में भी थोड़ी सी राहत मिल रही है। ट्रैफिक में भी पहले ज़्यादा ट्रैफिक होता था, अब नहीं जाम मिलता, कहीं नहीं कुछ मिलता है, अब सही है, पहले से ही वैसे ऐसा ही होना चाहिए। पहले ज़्यादा था जिससे सांस की बीमारी पैदा होती थी, उतना अब थोड़ा बहुत कम हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी भी और कम होना चाहिए इससे ज़्यादा, ऐसे सुनूंगा, क्योंकि हम लोगों को जो बुढ़े आदमी, इनको तो बहुत ही परेशानी है धुएं से, ज़्यादा एलर्जी है इससे। ये जो अपने रूल चला रखा हो, ये रूल हमें अच्छा लगा, पहले धुआं काफ़ी था, अब आँखों में भी और सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, अब कुछ हद तक ठीक है ये रूल। गाड़ियाँ भी कम है, ट्रैफिक भी कम होता है, पहले 2-3 घंटे लग जाते थे MAT से फरीदाबाद जाने के लिए, अब 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, ठीक है, कुछ हिसाब से ठीक है। ये दिल्ली की जनता का ये मानना है कि ये ऑड इवन का रूल एकदम सही है और वो इसको समर्थन करते हैं। अब
अब देखना यह है कि दिल्ली एनसीआर की जनता को प्रदूषण से कब राहत मिलेगी। कैमरामैन अनुराग वर्मा के साथ सत्यप्रकाश, एस्को नोएडा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा एमिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है दिल्ली की ऑड इवन फॉर्मूले की। दिल्ली के ऑड इवन योजना से कई लोगों को राहत मिली तो है, मगर सवाल ये है कि क्या ये राहत सही मिली है। अकेली महिला गाड़ी चला रही हो तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सीएनजी गाड़ियों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली में 1 तारीख से 15 तारीख तक ऑड इवन योजना लागू कर दी गई है। ऑड नंबर वाली तारीख के दिन ऑड और इवन तारीख वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। नियम का पालन ना करने पर 2,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 1 से 15 तारीख तक पहले चरण में ये इवन ऑड नंबर का जो अभियान है वो पहले चरण में चलेगा। 15 के बाद इसकी पूरे 15 दिन की समीक्षा होगी और उसके अनुरूप फिर आगे की रूपरेखा सरकार तय करेगी। जैसा कि केजरीवाल जी ने ये ऑड एंड इवन किया है और लेडीज को एग्जेम्प्ट किया है, तो मतलब मेरा ये मानना है कि लेडीज को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए। हम 2016 सेंचुरी में हैं और आज हम कहते हैं कि लेडीज और जेंट्स एक है। इनफैक्ट लेडीज जो है जेंट्स से आगे हैं, तो मतलब अगर हम लोग जेंट्स के बराबर है तो हमें क्यों एग्जेम्प्शन दी जा रही है? हम लोगों को एग्जेम्प्शन नहीं चाहिए। हम लोग भी ऑड इवन को फॉलो करेंगे। अगर जेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग भी फॉलो करेंगे। और इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस एग्जेम्प्शन टू द लेडीज, आई थिंक ही शुड गिव दैट एग्जेम्प्शन टू द सीनियर सिटीजंस। जहां आपकी सरकार शुरू से ही वीआईपी कल्चर के खिलाफ थी, अब इस ऑड इवन फॉर्मूला से उन्हें भी राहत दे दी गई है। पैरामिलिट्री, डिफेंस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे अति विशिष्ट व्यक्ति विशेषों को भी इस फॉर्मूला से राहत मिली है। एग्जेम्प्शन शुड नॉट बी गिवन बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ समवन इज अ मेल और अ फीमेल। इट शुड बी आल्सो बी ट्रीटेड इक्वल, बट ऑफ कोर्स पीपल विद स्पेशल डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन, दे डिजर्व द स्पेशल कंसीडरेशन, दे कैन गेट एक्सेप्शन। कुछ लोग जहां इस नियम को कारगर बता रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि ये ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली की जनता के किसी काम नहीं आने वाला। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फॉर्मूला दिल्ली की जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। मगर हाँ, आपको बताते चलें कि जनता का यह भी मानना है कि सीनियर सिटीजन्स को इस फॉर्मूला से या इस नियम से राहत मिलनी ही चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।